नहीं, वो लोग कैसे हो, सब उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और आज डे है 25 तारीख, और आज मैं जा रही हूँ मेरी सहेली की बहन की शादी में। मैं सहेली बोलती हूँ, फ्रेंड भी बोलते हैं। तो बस वहीं निकल रहे हैं हम, नहा धोवा के रेडी हो गए और ऐसे ही कपड़े पहन लिए, क्योंकि वहीं जाके हम रेडी शेडी होंगे। पहले दुल्हन को तैयार कर देंगे, उसके बाद हम होंगे। तो चलिए चलते हैं घर। ओ भगवान, वाह मुझे ही हाँ जाओ सर, जाओ, चलो बैग लो। और ये लो देखो, जाओ। ये बैग कर लिया है तैयार, इसमें कपड़े भी हैं, मेकअप का सामान भी है। और छोटी हमारे साथ है, बच्चे दोनों यहीं रहेंगे, क्योंकि ये मुझे वहाँ काम करने नहीं देंगे, इसीलिए थोड़ा सा काम भी है, फिर बाद में एंजॉय भी है, तो दोनों नहीं करने देंगे वो काम। देखो इस बैग में सारा सामान ले लिया है। हम निकल चुके हैं, सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कुछ सीखने को भी मिलेगा, इंजॉयमेंट भी मिलेगा। मैंने दोनों बोल दिया है अभी, बच्चे को इसीलिए नहीं ले जा रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ मुझे काम भी है और फिर बाद में इंजॉय भी है। तो आप लोग में आगे तक बने रहिए, वो लोग बहुत ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए पहुँचते हैं पहले कुचड़ोत। हाँ आते ही ये देखिए, मैंने बोला ना आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो यहाँ मैं कर रही हूँ दुल्हन मेकअप, जो आज माता जी पूजन है। तो यहाँ आते ही मैंने बस पानी वानी पिया, फिर बस कपड़े वपड़े पहनाने के बाद मैं लग गई हूँ मेकअप में, क्योंकि बहुत जल्दी निकलना है, गर्मी का टाइम है, तो मतलब 8 साढ़े 8 बजे निकलना है माता जी पूजन में। तो पहले दुल्हन को रेडी करेंगे, उसके बाद मैंने सोचा था मैं रेडी हो जाऊँगी, लेकिन जल्दी इतनी कर रहे थे कि मुझे तो कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं कराया, वैक्स वगैरह चेहरे पर, मतलब फेशियल भी नहीं कराया, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा मेकअप करना था। और मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मैंने ऐसा कोई ट्रेडिशनल मेकअप नहीं सीख रखा है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, लेकिन फिर भी मुझे क्या है, करते करते आ गया है अच्छा, और मुझे मतलब लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ। लेकिन आप बताना मुझे कमेंट में कि मैं कैसा कर लेती हूँ मेकअप। और आज का तो मैं कोई डिटेल में आपको बताऊँगी नहीं कि क्या से क्या लगाया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो मेरी ही यूज़ करी है। हाँ लेकिन फाउंडेशन और कंसीलर इसके स्किन के हिसाब से मैंने मंगा रखा था, मतलब इनको ही बोला था तो ये ले आए थे। और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, फ्रेंड की सिस्टर है, तो मेरी भी सिस्टर ही हुई, छोटी सिस्टर, तो इसी वजह से यहाँ कोई चार्ज वगैरह नहीं लेना है। लेकिन हाँ मुझे अच्छा मेकअप करना है, तो मैं सोच रही थी अच्छा करूँगी अच्छा करूँगी, पता नहीं कैसा क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इतना अच्छा मेकअप होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा हो गया था, मुझे तो लग रहा था, लेकिन आप बताना। और अगर ये डिटेल में जानना भी है मेकअप, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं कभी होगा तो पूरा डिटेल में ये HD मेकअप दुल्हन का कैसे क्या किया वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, अगर आप कमेंट करोगे तो, इंटरेस्टिंग होगे तो, नहीं तो नहीं, बस इसी में धन्यवाद। आज का मेकअप तो मैंने कुछ कर दिया है, मतलब वैक्स वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन एक दिन पहले आके इसको मतलब 2-3 मेकअप हो और ऐसी के इसी दुल्हन के माता पूजन है अभी, तो गंगोजे फिर मतलब बारात आएगी उस दिन भी है, लेकिन आज तो मैंने जैसे तैसे कर दिया है, लेकिन फिर हल्दी फंक्शन होगा तब मुझे आके यहाँ इसको पूरा वैक्स वगैरह करना पड़ेगा चेहरे का। और ये देखिए अभी का फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैंने मेकअप किया था, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़ कि मेकअप कैसा रहा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और उसके बाद में चलिए अब चलते हैं माता पूजन में। और आज का व्लॉग तो मैं क्या बताऊँ, मेरे फुल क्या बोलते हैं ये आने वाला है, कॉफ़ी क्लेम आने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने आपको सॉन्ग सुना है इसमें, क्योंकि मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय करो, बाकी मेरे कॉफ़ी क्लेम ज़रूर आएगा इस वीडियो पर।
होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आज आपको सॉन्ग भी सुनने को मिल रहे हैं। मेरी तो 12 बजने वाली है क्योंकि कॉफ़ी क्लेम आने वाला है, लेकिन कोई नहीं, आप इंजॉय कर रहे हैं वही काफ़ी है मेरे लिए। तो यहाँ हमारा हो रहा है डांस दुल्हन की भाभी का विद मेरा, बहुत ही अच्छे अच्छे डांस करते करते हम पहुँच गए थे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ हम पहुँचते मतलब नाचते कूदते पहुँच गए हैं बस माता जी के मतलब दरबार तक। तो और यहाँ बहुत ही डांस किए थे, लेकिन इस वीडियो में आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था काटते मिलते भी। तो आप शॉर्ट देख लेना मेरे, और ये मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, बहुत ही खास फ्रेंड है, और इसी की सिस्टर की शादी है, इसी सिस्टर और इसकी भाई की दोनों की। तो बहुत से ऐसे वीडियो है जो आपको शॉर्ट मिल जाएंगे यूट्यूब पर फिर या इंस्टाग्राम पर मिलेंगे ज़रूर, आप देख लेना एक बार। गाइस यहाँ पूछे जा रहे हैं माता जी, हम नाचते कूदते आए हैं तो मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया। और पहली बात तो मैंने मेकअप भी नहीं किया था क्योंकि दुल्हन को रेडी करके सिर्फ 5 मिनट था मेरे पास, तो मैं तो ऐसे ही आ गई थी बस लाइन में लिपस्टिक करके। और ये मैंने लहंगा आपने वीडियो में देखा ही होगा, तो यहाँ मंदिर तो बस पूछ लेते हैं माता जी, फिर चलते हैं नाचते कूदते घर। माता पूजन के बाद अब रवाना हो गए घर के लिए। तो यहाँ पर ये भी डांस कर रहे थे मतलब इनके रिलेशन में, लेकिन इसका सॉन्ग मुझे कुछ समझ में नहीं आ था, लेकिन इसका मैंने फुल वीडियो शॉर्ट में डाल दिया है, वो पता नहीं मुझे कब मिलेगा, लेकिन आपको देख लेना मिल जाएगा। तो यहाँ बस अब घर जा रहे हैं। सहेली लागे लास्ट नहीं था गिफ्ट माता जी आगे शादी वादी मतलब माता जी पूजन होने के बाद अब आए। अब तो क्या कब के आ गए थे, दिन में आ गए थे 2:30 बजे, और अभी 5 बज रहे हैं। अभी जस्ट मैंने आज वीडियो अपलोड किया, वीडियो अपलोड करने में लेट हो गई मैं, क्योंकि आके ही सिर दर्द ऐसा हो गया, सिर दर्द ऐसा हो गया कि पूछो ही मत। फिर मैंने सोचा चलो सो जाती हूँ थोड़ी देर, शायद सिर दर्द सही होगा, लेकिन नहीं हुआ तो मैं खा रही हूँ गोली फ्लेक्सन। 5 बज गए, देखो अभी टाइम दिखा दिया आपको, 5 ज़्यादा बज गए। लो हालत किसी हो गए, बहुत ख़राब हो गए, देखो 5:10 ज़्यादा ही ख़राब हो गए, 5:10 हो गए। और अभी मैंने वीडियो डाला है कल का, आज लेट हो गई, सो गई थी वहाँ आके, वहाँ से आके दिन में आ गए थे हम मतलब खाना वाना खा के घर पर। हाँ मम लाई थी मैं इनके लिए, लेके आई मैं कौन, अभी बोल रहे मम 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 मम, बच्चे दोनों ही खेल रहे घर पर, इस घर में कम फ्लेक्सन या जहाँ चाय बन रही है चाय के साथ। नहीं 3 लाई थी, एक तूने खा लिया, एक भैया ने खा लिया, तूने खाया ना बेटा, मम खाया, मम खाया ना, खाया खाया, झूठ मत बोल बेटा।
घर आ गए थे खाना वाना खाने के बाद, खाना मतलब वहीं खाया था लेकिन इतना कुछ शूट हो नहीं पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और यहाँ आने के बाद इतनी हालत ख़राब हुई कि आँख भी नहीं खुल पाई थी, तो यहाँ सो गए थे आते ही। और अभी भी मैंने गोली खाई है लेकिन अभी भी सिर दर्द बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वहाँ मेकअप भी था, पहले 2 घंटे तो मैंने खड़े खड़े मेकअप किया, फिर हम नाचे कूदे, मतलब कम थोड़ी ना थे क्या, पूरे दिन मतलब ऐसे ही चला गया। 2:30 बजे हम समथिंग घर आए थे और तपती दोपहर में घर आए थे क्योंकि दोनों बच्चे घर पर ही थे। फिर किट्टू की फरमाइश थी कि मेरे लिए मम्मा आइसक्रीम मतलब कोन लेके आना, तो फिर वहाँ से मतलब मैं कोन भी लेके आई थी, यहाँ नहीं मिलते, ये छोटा सा गाँव यहाँ नहीं मिलते, तो वहीं से ले आई थी। और बस इसी के साथ में इस वीडियो की यहीं कर देते हैं एंडिंग चाय पीने के साथ साथ। तो जिसको भी चाय पीनी है आज के व्लॉग में तो चाय पीने ज़रूर आना, और वीडियो कैसा लगा है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। डांस हमारा, मेकअप हमारा, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि ऐसी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब अपना अपना।